तो यार कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि ऐसे कौन से दो रीजंस हैं जिस कारण से आप लोग को ट्राई अगेन लेटर और कुडेंट रिफ्रेश, ये दो प्रॉब्लम आप लोग को फेस करने पड़ती है अपनी इंस्टा आईडी पे। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वो वाला वीडियो है। इसको आप अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जाकर आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैंने बताए थे दो रीज़न जिन कारणों से आप लोग को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊँ कि यार आप लोग किस तरह से इनसे आप लोग बचाव कर सकते हो अपने अकाउंट को, यानी कि आप बच सकते हो, ऐसी क्या चीज़ ना करो और ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको करने से ये चीज़ बढ़ती हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में यार अगर आ गए तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया तो फिर तो वीडियो देखो आप लोग आगे, ठीक है ना। तो भाई बात करते हैं हम लोग पहले रीज़न की, ठीक है ना। पहला रीज़न, आप लोग किस तरह से अपना अकाउंट को बचा सकते हो। अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग किसी के में कमेंट करते हो गलत प्रकार का, या फिर आप किसी की पोस्ट अच्छी नहीं लगती, आपने उसमें कुछ गलत कमेंट कर दिया है, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर दिया जो पब्लिकली हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग बताता हूँ, अगर आप लोग करना चाहते हो उन कमेंट को, अगर आप करना चाहते हो फिर भी आप लोग का मन है कि यार चलो इसको दो तीन गालियाँ दे ही देते हैं, तो चलो ठीक है आप लोग उसको गाली दे दो भर भर के, जो भी आप कमेंट बोलना आप लोग उसको बोलो, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग करना कि आपको उसकी कमेंट पे, अगर उसने कमेंट किया हुआ है किसी पोस्ट में या फिर उसकी पोस्ट है, ठीक है ना, तो पहले आपको कमेंट कर देना है, जो भी आपको बोलना आप उसको कमेंट कर दो। अगर उसने कमेंट भी आप उसके कमेंट कर रहे हो तो उसके कमेंट को आप लोग रिपोर्ट कर दो। अब जिस तरह भी उसने लिखा हुआ है उस एक कमेंट में, उस हिसाब से आप लोग को रिपोर्ट करने का ऑप्शन देगा उस कमेंट पे, तो आप उस पर रिपोर्ट कर देना, ठीक है ना। तो ये पहला कारण है। अब इसी में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपने जब उसको रिपोर्ट कर दिया उसके कमेंट को, साथ ही उसकी पोस्ट को, अगर उसने अगर पोस्ट किया हुआ है, कमेंट नहीं किया है, पोस्ट किया हुआ है, तो आप इसके पोस्ट को भी कर दो, क्योंकि इस पर भी एक लीगल एक्शन लेता है इंस्टाग्राम अकाउंट इंस्टाग्राम, अगर उसके पोस्ट पर कुछ गलत उसने अगर लगाया हुआ है या अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। ये था पहला कारण कि आप लोग उसको रिपोर्ट कर दो, उसके कमेंट को या फिर उसके पोस्ट को। कमेंट करना जरूरी नहीं है यार कि आप लोग भी उसको उसी तरह से आप लोग उसका जवाब दो, आप लोग उसको कमेंट रिपोर्ट भी कर सकते हो। इस तरह में एक लीगल एक्शन लेता है इंस्टाग्राम। तो ये पहला तरीका है कि आप बच सकते हो अपने अपने अकाउंट को, आप बचा सकते हो, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, आप अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो आप उसको कमेंट करोगे तो वो आपके चैनल पर रिपोर्ट अकाउंट पर रिपोर्ट कर देगा और साथ ही आपके कमेंट भी कर देगा। तो ये पहला रीज़न है, पहला आपको चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप लोग अपने अकाउंट को ट्राई अगेन लेटर या फिर कुडंट रिफ्रेश वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हो। अब देखो, दूसरा जो मैं आपको बता दूँ कि यार सिंपल सी बात है, दूसरा तो पहली बात, आप लोग अपने अकाउंट को प्राइवेट रखो। अगर आप लोग इतना कुछ आप लोग एक्टिव हो लेकिन आप लोग अगर कुछ चीज़ ऐसी अपलोड्स नहीं कर रहे हो जिससे आप लोग मतलब फेमस होना इंस्टाग्राम में, फॉलोअर्स तो आपको चाहिए ना, ठीक है। तो फॉलोअर्स लाइक आपको मिलती रहेंगी, उसकी आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो पहली बात, अपने अकाउंट को आप लोग ज़्यादातर आप यानी कि प्राइवेट रखें। अगर आप लोग पब्लिक रखना चाहते हो तो पब्लिक रखते हो, तो यार अगर आप लोग का कोई पेज है तो आप लोग अगर ऐसी कोई अगर पोस्ट करते हो जो लोग पसंद नहीं आते, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह या फिर किसी भी तरह की पोस्ट आप लोग करते हो जो लोगों को पसंद नहीं आती है, तो सिंपल सा बात आपको बताता हूँ, ठीक है ना। करना क्या है आपको, आप पोस्ट करते हो, अगर आपको कोई ऐसे कमेंट कर रहा है तो या तो आप उसका सिंपली आंसर दे दो कि भाई कोई बात नहीं, मतलब नेगोशिएट कर लो एक तरह से, तो आपकी रिपोर्ट नहीं करेगा वो। और अगर आप लोग नहीं चाहते हो उससे आगे कुछ ऐसी सिस्टम यानी बात करना नहीं चाहते हो, नेगोशिएट कर लें या फिर हटाओ यार भाई ठीक है चलो भाई गलती हो गई, तो सिंपल सा आप उसके कमेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। उसके कमेंट को आप रिपोर्ट करोगे तो, और उसके बाद अगर वो आपकी कमेंट या पोस्ट को रिपोर्ट करता है तो इंस्टाग्राम आप पे कोई एक्शन नहीं लेगा, आप उस पर एक्शन लेगा, क्योंकि आपने पहले उसको रिपोर्ट कर दिया। तो आप लोग पहले रिपोर्ट कर दो, सिंपल ये बात, ठीक है ना। और दूसरी बात यार, आप लोग को एक चीज़ और बता दूं कि अपने अकाउंट को एक तरीके से और बता सकते हो, बिल्कुल पूरी तरह से आप चेक कर सकते हो, इसलिए वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वीडियो आप लोग देखो, ये प्रॉपर वीडियो बनी हुई है यार, कि आप लोग अपने अकाउंट को किस तरह से 100% सेफ रख सकते हो हैकर्स प्लस ऐसे बंदों से जो आप लोग के अकाउंट पे रिपोर्ट करते हैं, आपके पोस्ट पर रिपोर्ट करते हैं और साथ ही आपके कमेंट्स पर रिपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए बनी है, बिल्कुल प्रॉपर आप लोग इसको वॉच करो, आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग किस तरह से इन सेटिंग्स को अप्लाई करना है अपने चैनल पे, ठीक है, अपने इंस्टा अकाउंट पे, और इजीली आप लोग यार यहाँ से अपने अकाउंट को सेफ रख सकते हो। एक तरह से आप लोग को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाएगी इन सेटिंग्स को ऑन करने के बाद, ठीक है ना। तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बाकी की वीडियोज़ जाके देखो, उनमें आप लोग के लिए मतलब ज्ञान ही भरा हुआ है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो मिलते हैं।